वेलकम यू ऑल टू माई चैनल एस एस सी स्मार्ट क्लासेस। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सारे के सारे मैंने इकोनॉमिक्स के आपको लगभग करवा दिए हैं, और जो थोड़े बहुत टॉपिक बचे हैं आई विल कम्प्लीट इट इन फ्यूचर। मैं आपको जल्द से जल्द मैं आपको करवा दूंगा, और ये पीडीएफ भी कम्प्लीट है। सो अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ऑल द डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, लेटेस्ट टॉपिक हैं, सब मैंने इसमें लगभग करवा दिए हैं आपको। तो आज का हमारा टॉपिक है शेयर मार्केट के बारे में। इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हो और आपको शेयर बाजार के बारे में पता नहीं है, आपको निफ्टी के बारे में पता नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपको पता नहीं है, तो फिर आपने इकोनॉमिक्स पढ़े का आपका फायदा नहीं है। तो आज की वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल में सारी चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअली देखेंगे, जो भी आपके लिए जरूरी है और जो भी आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले हम शेयर ही देख लेते हैं कि शेयर होता क्या है। शेयर का मतलब होता है हिंदी में हिस्सा। तो किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको पता है कैपिटल की जरूरत पड़ती है, और कोई भी कंपनी है अगर वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहती है मान लो, या फिर उसके पास पूंजी नहीं है और वो पूंजी की उसको ज़रूरत है, तो वो क्या करती है, कंपनी मार्केट में अपने छोटे छोटे हिस्से जो है वो निकाल देती है, रिलीज कर देती है। बेसिकली अगर मैं कहूँ कोई भी नई कंपनी है तो उसके शेयर तो कोई खरीदेगा नहीं, तो उसकी कोई ब्रांड वैल्यू तो बनी होगी ना, तो उसी ब्रांड वैल्यू के अगेंस्ट ये सारी चीज़ें होती हैं कि मार्केट में उसकी पहले से ही पोजीशन बनी है। तब वो अगर मेनली तो होता है कि बिजनेस को अगर वो एक्सपेंड करे, अपना आगे फर्दर एक्सपेंड करे, क्योंकि एक नया बिजनेसमैन है तो उसके तो शेयर कोई खरीदेगा नहीं। तो इसके लिए कंपनी के छोटे छोटे हिस्से कर दिए जाते हैं जिसको हम शेयर बोलते हैं, और इनको पब्लिक को बेचा जाता है। तो जो बेसिकली इसको खरीदता है, जो इन शेयर्स को खरीदता है, इन शेयर्स की जो वैल्यू होती है उसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं। मार्केट के अकॉर्डिंग ये तय की जाती है कि उसकी कंपनी की वैल्यू क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग जो पब्लिक को बेचा जाता है, जो पब्लिक इसको खरीदती है शेयर्स को, तो उनको शेयर होल्डर बोल दिया जाता है। बेसिकली ओनर तो नहीं, ओनर तो कंपनी का कोई और ही रहेगा जिसने वो शेयर रिलीज किए हैं मार्केट में। तो शेयर मार्केट बेसिकली क्या हो गया, शेयर्स की बाइंग व सेलिंग की मार्केट को ही हम शेयर मार्केट बोल देते हैं। दो सबसे पॉपुलर जो शेयर मार्केट उसमें है, सबसे पॉपुलर, वैसे तो काफ़ी सारे हैं लेकिन जो सबसे पॉपुलर हैं वो है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। इसके तहत लगभग 1700 कंपनियां जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। इसमें इसके जो स्टॉक के अंदर के जो उतार चढ़ाव हैं उसको हम निफ्टी कहते हैं। वहीं पे अगर मैं BSE की बात करूँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करूँ, जिसमें काफ़ी सारी कंपनियाँ जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, लगभग 5400 के करीब ये कंपनियाँ रजिस्टर्ड हैं। ये डाटा आपको याद करना नहीं है। जितनी भी कंपनियाँ हैं जो अपने शेयर्स इशू करती हैं, उन्हें इन शेयर मार्केट एक्सचेंज में अपने आप को क्या करना पड़ता है, उसका पंजीकरण करवाना पड़ता है, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो BSE के अंदर अगर स्टॉक के एक्सचेंज जो स्टॉक है उसके अंदर के जो उतार चढ़ाव आते हैं उसको हम बोल देते हैं फिर आपका सेंसेक्स। तो NSE के अंदर ये निफ्टी होता है जो उतार चढ़ाव आता है, और BSE के अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो स्टॉक का उतार चढ़ाव आता है उसको हम सेंसेक्स बोलते हैं। और सेबी की गाइडलाइंस तो चलती ही हैं, उसके आधार पर ही जो इन्वेस्टमेंट होती हैं, सेबी के गाइडलाइंस के आधार पर ही जो इन्वेस्टमेंट है वह जो स्टेक स्टॉक व शेयर्स की जो ट्रेडिंग है वो रेगुलेट होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया गवर्नमेंट ने एक रेगुलेटरी बॉडी भी बनाई होती है। उससे पहले सेबी में क्या हो रहा था, इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही थी, गवर्नमेंट ने फिर फुली बाद में उसको पूरी तरीके से ऑटोनोमस कर दिया है। यानी कि पहले अब वो सिर्फ देख नहीं सकती, अब वो एक्शन भी ले सकते हैं कि अगर कोई गलत काम जो है वो हो रहा है। सप्तम कंप्यूटर का मैंने एग्जांपल दिया, वो कंपनी क्या कर रही थी, अपने शेयर्स की जो प्रॉफिट है उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा रही थी। प्रॉफिट में तो जा रही थी लेकिन बहुत ही ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ा रही थी। अब जितना ज़्यादा वो प्रॉफिट दिखा रही थी क्यों, ताकि उसके मार्केट में शेयर जब वो रिलीज करे तो लोग उसको खरीद लें। उसके बाद देखिए हाउ शेयर मार्केट वर्क्स, थोड़ा सा हम इसके बारे में भी नज़र देखते हैं। देखिए कोई भी पहले कंपनी है, कंपनी क्या करेगी, वो रजिस्ट्रेशन कराएगी आपका उसमें BSE में एक्सचेंज कराएगी। उसके बाद कुछ आपके क्या होते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकर्स होते हैं, क्योंकि हर किसी बंदे को तो जो मार्केट में उनके शेयर्स खरीदेगा, जो पब्लिक है वो शेयर जो खरीदेगी उनको नॉलेज नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, जो शेयर्स की नॉलेज है वो देते हैं किसको, शेयर होल्डर को, वो जो नॉलेज है वो देते हैं। अब ये जो शेयर होल्डर्स हैं
नॉलेज लेके वो कंपनी के क्या करते हैं, शेयर्स खरीद लेते हैं। उसके बाद देखिए हाउ द शेयर होल्डर मेक्स मनी, ये सबसे ज्यादा आस्क क्वेश्चन होता है, बहुत ही ज्यादा लोग इसको पूछते हैं कि भाई फिर वो पैसा कैसे कमा रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, कोई कंपनी है एक्स वाई जेड, उसने 10 रुपये की जो फेस वैल्यू शेयर के 4 लाख शेयर जो है वो मार्केट में इशू करें, ठीक है, तो 10 रुपये के इशू करें, यानी कि लगभग उसको 40 लाख पूंजी की ज़रूरत होगी, क्योंकि फेस वैल्यू एक शेयर की फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपये है। तो इस हिसाब से अगर उसने मार्केट में 4 लाख शेयर इशू किए हैं, तो उन सबकी जो वैल्यू है वो 40 लाख रुपये के करीब बनी। तो अब पर्सन ए ने 1,000 शेयर जो है वो खरीद लिए, उसकी वैल्यू कितनी बनी, 10,000 रुपये की बन गई, 10,000 रुपये की बन गई ना, 1,000 शेयर खरीदे हैं, 10 उसकी एक शेयर की वैल्यू फेस वैल्यू 10 रुपये है, तो अब कंपनी को मुनाफा हो जाता है। तो क्या ये सारा का सारा जो मुनाफा है, मान लो कंपनी का मुनाफा हो गया, तो क्या फिर उसका जो शेयर होल्डर उसका डायरेक्टली मुनाफा हो जाएगा कि उसने इसके कंपनी के जो है वो 1,000 शेयर खरीदे? कंपनी को क्या हो गया, एक्स वाई जेड जो आपकी कंपनी है, एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड जो कंपनी है इसको प्रॉफिट हो जाता है, और इसने खरीदे हैं भाई 1,000 शेयर। अब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, क्या ये प्रॉफिट डायरेक्टली इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जो कंपनी का मुनाफा है, ये डायरेक्टली आपका शेयर होल्डर को नहीं मिलता है। तो फिर शेयर होल्डर पैसा कैसे कमा रहा है? क्योंकि अब कंपनी के शेयर की जो फेस वैल्यू है या मार्केट वैल्यू है, ये जब इस कंपनी प्रॉफिट में जा रही थी तो वो बढ़ जाती है। तो मान लो अब शेयर की फेस वैल्यू क्या हो जाती है, 11 रुपये हो जाती है, ठीक है। जैसे पहले फेस वैल्यू जो थी एक शेयर की जो फेस वैल्यू थी वो 10 रुपये थी, अभी 11 रुपये हो जाती है। तो यानी कि अभी उसकी जो टोटल उसने जो शेयर खरीदे थे उन सब की वैल्यू होगी आपकी 11,000 रुपये, यानी कि सीधा सीधा उसे 1,000 रुपये का मुनाफा हो रहा है, चाहे एक दिन में ही हो जाए। यानी एक दिन में 10,000 रुपये के शेयर खरीद के उसको 1,000 रुपये का फायदा एक ही दिन में हो रहा है, ठीक है। अब उसको अगर थोड़ी बहुत ही नॉलेज है, तो या तो ये अपना जो ये जो शेयर्स हैं ये कंपनी को भी, या फिर कोई और बंदा है जो एक्स वाई जेड के शेयर, क्योंकि इसके शेयर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो मार्केट में और ज्यादा पर्सन भी होंगे, तो ये डायरेक्टली भी इनके शेयर्स जो है वो जो पर्सन ए है, पर्सन बी को, सी को, डी को, या फिर डायरेक्टली कंपनी को भी ये शेयर जो है वो बेच सकता है, ठीक है, अपना पैसा जो है वो खींच सकता है। तो इसी तरीके से ये जो शेयर मार्केट है पूरा वर्क करता है, राइट। अब छोटी मोटी जानकारी देख लेते हैं कि हम जो ट्रेडिंग है वो बेसिकली स्टार्ट कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। थोड़ा सा पता होना चाहिए, एक आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए, तो एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए, उसको आपको लिंक करवाना होता है आपको डीमैट अकाउंट से। डीमैट अकाउंट जरूर आपका लिंक होना चाहिए आपके सेविंग बैंक अकाउंट से। इसमें क्या होता है, हम जितने भी मार्केट में जो भी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं उनकी जो शेयर्स की जानकारी है वो हम ऑनलाइन देखते हैं, वहीं से हम देखते हैं कि किस कंपनी के शेयर्स रिलीज हुए हैं, क्या कुछ उनकी, ठीक है, हम ऑनलाइन डिटेल सारी चेक कर सकते हैं, उनकी फेस वैल्यू क्या है रिगार्डिंग दिस। फिर उसके बाद आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, जो भी हमने शेयर्स मान लो खरीदे हैं या फिर बेचे हैं, तो उन सब की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो इसी अकाउंट में आपकी होती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, उससे या जो भी आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका प्रॉफिट होता है मान लो, तो वो आपका डीमैट अकाउंट में आता है, फिर वो सेविंग अकाउंट में आपका ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये प्रोसीजर जो है वो होता है आपका। उसके बाद बॉम्बे जो स्टॉक एक्सचेंज है, सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, 1875 में ये बना था। उसके बाद कैलकटा और अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज भी है, जो कैलकटा स्टॉक एक्सचेंज है 1908 में था, ये बेसिकली शेयर रिलीज किए थे फॉर द प्लांटेशन एंड जूट मिल्स के रिगार्डिंग। और अहमदाबाद जो स्टॉक एक्सचेंज है 1894 में था, ये टेक्सटाइल के जो मिल के जो शेयर्स हैं उसके रिगार्डिंग जो थी ट्रेडिंग थी, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, बेनिफिशियल रही होगी।